गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कल हमने विस्तार से एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिस्कस किया था, आज हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्कस करना है और बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो जुड़े हुए पहलुओं हैं उनकी चर्चा करनी है। एक टर्म कल हमने आपको दिया था, क्या मतलब है अंशु जी? क्या सही है शैलेश जी? क्या नहीं पता सौरभ जी? सही। बेसिकली अगर आप देखें, अच्छा सौरभ जी, काम जो आपने किया है सोर्स क्या है? नहीं नहीं, सोर्स तो ऐसे भी बतला सकते हैं आप, उसके लिए मोबाइल खोलने की जरूरत नहीं है। याद नहीं है क्या मतलब? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। और शैलेश तुम्हारा? पीआईबी। दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखें। कई बार डाटा की ऑथेंटिसिटी का प्रश्न उठता है और कुछ चीजों को ध्यान में रखें। ऑथेंटिसिटी के कंटेक्स में समझे, अगर इस तरह के आंकड़े हों तो एक कंटेक्स जो है इकोनॉमिक सर्वे का, दूसरा सोर्स जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नहीं होता है उतना कवर करना, और तीसरा कंटेक्स अगर देखें आरबीआई, ठीक है। ये तीनों जो है मतलब आपका ले, इसके बाद ही कोई सोर्स आना चाहिए, एक बात ध्यान रखें। दूसरी चीज जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप डाटा की ओर बढ़ते हैं, व्हेनेवर यू मूव, हमेशा एक बात ध्यान रखें, ऑथेंटिक सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करें। क्योंकि एक समस्या क्या है मैं बतलाता हूँ, समस्या यह है कि सेलेक्टिविज्म हर तरफ है, ठीक है, एक सेलेक्टिविज्म हर तरफ है, और सेलेक्टिविज्म होगा तो डाटा का मैनिपुलेशन होगा ही होगा, ना हो ये संभव ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज जो उभर करके आती है, कई बार आलेखों में जो आंकड़े मिलते, हम लोग भी उन समस्याओं को फेस करते, आलेखों में जो आंकड़े मिलते हैं कई बार आप देखेंगे वे आंकड़े कन्फ्लिक्टिंग नेचर के होते हैं, समझे, तो कन्फ्लिक्टिंग नेचर के उन आंकड़ों से बचने की जरूरत है, ठीक है। तीसरी चीज जो है, कुछ डाटा में आपने चलते फिरते हाथ चला दिया है, जो आंकड़ा कलेक्ट किया है सौरभ जी, और विशेष रूप से मैं इंडिकेट करना चाहूँगा जो इंपोर्टिंग आइटम्स के डाटा है, इंपोर्टिंग आइटम्स के डाटा है उसमें थोड़ी समस्या है, समझे। एक चीज बतला देता हूँ, चीजें मतलब मैं डिस्कस करूँगा लेकिन आगे इसकी सॉफ्ट कॉपी डाटा की मैं उपलब्ध करवाऊँगा एक बार इकोनॉमिक सोर्सेज से वेरीफाई करने के बाद, इकोनॉमिक सर्वे से वेरीफाई करने के बाद। इकोनॉमिक सर्वे के अपेंडिक्स में वो डाटा काफ़ी डिटेल में उपलब्ध होता, हाँ ये है कंप्लीट ईयर का वो डाटा नहीं होता है, वो अधिक से अधिक होगा अप्रैल से सितंबर तक का डाटा होगा या अप्रैल से दिसंबर तक का डाटा होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। अब अगर मैं बढ़ूं तो जो डायमेंशन है भुगतान संतुलन खाता, और प्रश्न की दृष्टि से यह बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, प्रश्न की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। नहीं, इसी के कंटेक्स में अगर आप जाकर के देखें तो कल एक टर्म हमने पिक किया था, ट्विन डेफिसिट। यह ट्विन डेफिसिट जो है किसी देश के जो है खराब वित्तीय स्थिति को रिप्रेजेंट करती है, और ट्विन डेफिसिट का मतलब यह है, आप अगर देखें तो फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, अर्थात सार्वजनिक वित्त की स्थिति भी फिस्कल डेफिसिट किसको दर्शाता है, राजकोषीय घाटा किसको दर्शाता है, तो राजकोषीय घाटा जो है वह आपको, राजकोषीय घाटा जो है वह आपको दर्शाता है सार्वजनिक वित्त की स्थिति को, पब्लिक फिनांस की स्थिति को। और अगर इसके कंटेक्स में देखें तो इसका मतलब है, फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने का मतलब है, विस्तार से मैं चर्चा करूंगा जब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस पर आएंगे, तो इसका मतलब है सार्वजनिक वित्त की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। और करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है, करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि सरकार, करेंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो करेंट अकाउंट को अगर आप देखें तो वह डे टू डे के ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ आता है, दिन प्रतिदिन के व्यवहार को रिप्रेजेंट करता हुआ आता है, नहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ डे टू डे का जो ट्रांजेक्शन है उसको करेंट अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, अर्थात करेंट अकाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनका फ्यूचर इम्पैक्ट नहीं होगा, करेंट अकाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो फ्यूचर कंटेक्स्ट में किसी प्रकार की लायबिलिटी को क्रिएट
नहीं करेंगे, जबकि कैपिटल अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो फ्यूचर को इम्पैक्ट भी करते हैं और वो फ्यूचर के लिए लाइबिलिटी भी क्रिएट करते हुए आते हैं। तो अगर आप देखें तो यह डेफिसिट जो है वह बिगड़ते हुए वित्तीय हालात का प्रतिनिधित्व करता है, यह बिगड़ते वित्तीय हालात का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगर यहाँ से हम आगे बढ़ें तो जब हम भुगतान संतुलन खाता की बात करते हैं तो भुगतान संतुलन खाता के तीन कंपोनेंट होते हैं और ये तीनों कंपोनेंट प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक अगर देखें करेंट अकाउंट, दूसरा कंपोनेंट हम देखें कैपिटल अकाउंट, तीसरा कंपोनेंट देखें फॉरेक्स रिजर्व। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फॉरेक्स रिजर्व, इन तीनों के अंतर संबंधों को समझें। तीनों के अंतर संबंधों को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व जो है वह बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की स्थिति को दर्शाता है, भुगतान संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। और आपको ये पता हो कि बॉब क्राइसिस जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है, इसको रेस्पोंड करने के लिए कौन सी संस्था सहायता देती है, तो भुगतान संतुलन के संकट की स्थिति से निपटने के लिए IMF द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। और यह सारे प्रश्न के डायमेंशन है। IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर है, ध्यान रखेंगे दोनों वित्तीय सहायताएं देती है अपने सदस्य देशों को, लेकिन दोनों के वित्तीय सहायताओं के पर्पस में अंतर है। वर्ल्ड बैंक जो है विश्व बैंक जो है वह फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए सदस्य देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं। अब जब हम करेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो करेंट अकाउंट के कंपोनेंट क्या है, तो करेंट अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो करेंट अकाउंट के आपको दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे। कौन कौन करेंट अकाउंट के कंपोनेंट क्या मिलेंगे, तो नंबर वन व्यापार खाता, जिसको ट्रेड अकाउंट कहते हैं, इसके कंपोनेंट है नंबर वन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट पन्न्य निर्यात, दूसरा है मर्केंटाइज इंपोर्ट पन्न्य आयात, और तीसरा क्या है व्यापार संतुलन। ये तीन कंपोनेंट, ठीक है। व्यापार संतुलन क्या होगा, व्यापार संतुलन बराबर 1-2 पन्न्य निर्यात मर्केंटाइज एक्सपोर्ट माइनस मर्केंटाइज इंपोर्ट। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब देखिए प्लस का क्या कंटेक्स है, फिर एक होमवर्क देता। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कितने बार ट्रेड अकाउंट बैलेंस की स्थिति रही है, बता सकते हैं आप में से कोई, व्यापार खाता अधिशेष की स्थिति में रहा है। चलिए होमवर्क दे दिया, करके आइए तलाशिए, रहा भी है या नहीं रहा है, और रहा है तो कब रहा है। नहीं तो अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड अगर हम जाकर के देखें तो जनरल ट्रेंड हम पाते हैं कि भारत का व्यापार खाता जो है वह हमेशा घाटे में रहता है, का दो एक्सेप्शंस को छोड़ते हैं। स्वतंत्र भारत का इतिहास अब तक, मतलब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, भारत में जो ट्रेड अकाउंट है इस ट्रेड अकाउंट में आप देखेंगे तो सेवा व्यापार को शामिल नहीं किया जाता है। स्पेसिफाई मैं करना चाहूँ, सेवा व्यापार शामिल नहीं, सेवा व्यापार जो है वह इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, सर्विसेज ट्रेड को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। कई देश जो है अपने ट्रेड अकाउंट में मर्केंटाइज ट्रेड को भी शामिल करते हैं और सर्विसेज ट्रेड को भी शामिल करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आकर के देखें तो जो दूसरा कंपोनेंट है वह दूसरा कंपोनेंट क्या है, वह है दृश्यमद, इनविजिबल्स में क्या आ जाएगा, नहीं तो इन विजिबल्स के चार कंपोनेंट कौन कौन, फैक्टर सर्विसेज साधन सेवा जिसके अंतर्गत भूमि पूंजी श्रम आदि आते हैं। दूसरा कंपोनेंट है नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंतर्गत क्या आएगा, नहीं तो नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंतर्गत पर्यटन परिवहन बैंकिंग कॉपीराइट आदि। तीसरा जो यहाँ पर है निजी अंतरण प्राइवेट ट्रांसफर उपहार आदि। और चौथा कंपोनेंट है वह आपको है सरकारी अंतरण, और सरकारी अंतरण में क्या आ जाएगा, अनुदान आदि। तो ये चारों कंपोनेंट किसके अंतर्गत आते हैं,
ये चारों कंपोनेंट अदृश्य मद के अंतर्गत आते हैं। और तब जो है तीसरा अगला डायमेंशन जो है वह क्या है, चालू खाता संतुलन। नहीं तो चालू खाता संतुलन क्या हो जाएगा, 3+3+4 अर्थात व्यापार संतुलन प्लस अदृश्य मदों के प्रवाह की जो स्थिति। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, चालू खाता संतुलन की स्थिति का पता चलेगा। ठीक है, जहां व्यापार खाते के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, क्योंकि ये ध्यान रखेंगे यूपीएससी में जो प्रश्नों के ट्रेंड है ना उनमें क्या देखेंगे कि कई बार जो है ट्रेंड्स पर बेस्ड स्टेटमेंट होते हैं। इन जनरल भी ट्रेंड या पिछले 10 वर्षों के ट्रेंड पर भी बेस्ड प्रश्न होंगे, इसलिए ट्रेंड्स की समझ जरूरी है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो कई बार जब पेपर आपके सामने होते, चार ऑप्शन आपके सामने होते, हमेशा ध्यान रखेंगे दो स्थितियां उत्पन्न होती। पहली स्थिति क्या होती, चार ऑप्शन में आपको लगेगा एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, ऐसा होता है कभी? और जब आपको लगता है एक से अधिक ऑप्शन सही हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं और ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? अगर एक से अधिक ऑप्शन सही हैं तो ऐसी स्थिति में आपको मोस्ट नियर अबाउट जो सबसे अधिक सही है आपको ऐसे ऑप्शन को पिक करना है। और अगर चार के चारों ऑप्शन गलत लग रहे हो तो आपको उस ऑप्शन को पिक करना है जो सबसे कम गलत लग रहा हो। मतलब ये फॉर्मूला समझे, अभी मुस्कुराइएगा कन्हैया जी, समझे अभी, क्योंकि करे पानी की अहमियत होती है, समझे, वो ब्लैक और व्हाइट, स्याह और सफेद नहीं। तो जिंदगी की किताब जब पलटेंगे ना, तो जिंदगी की किताब जब पलटेंगे तो हर प्रश्न के उत्तर हाँ ना में दिए जा सकते, नहीं दिए जा सकते, नहीं ना दिए जा सकते हैं और ना देने चाहिए। तो इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हाँ ना में उत्तर देने के बजाय कुछ प्रश्नों को भविष्य पर भी छोड़ दिया जाए, समय अपने आप उन प्रश्नों का जवाब दे देगा। तो हम इस चीज को समझने की तीसरी चीज जो मैं कहता, मोटा मोटी आप लेकर के चले जो आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न है, अब जिस डायरेक्शन में चीजें मूव कर रही हैं बीपीएससी में, तो मोटा मोटी लेकर के चले, अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है, नहीं की है तब तो कोई बात नहीं, अगर सही तरीके से आपने तैयारी की है तो नियर अबाउट 50 से 55 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको डायरेक्ट आप हिट करने की स्थिति में होंगे, या हिट करते वक्त आपको ये पता होगा कि यही आंसर होगा। और कट ऑफ कम से कम कितना जाएगा, इन जनरल बात करूं 91 जा रहा है 2 साल से, और अगर आप सेफ होना चाहते तो आपको 95 कट ऑफ को टारगेट करना होगा, नहीं, और वो 95 कट ऑफ प्लस माइनस करने के बाद, और वो चीजें तब होंगी जब करीब करीब, जब आप करीब करीब 105 से 110 क्वेश्चन सही करें, तब जाके आपका कट ऑफ वहां पर जाकर के रुकेगा। और इसके लिए 130 प्लस माइनस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे नियर अबाउट। ये कसम खा के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाइएगा कि 130 प्लस ही करेंगे, ये तो प्रश्नों पर निर्भर करता है ना, लेकिन मोटा मोटी आप लेकर के चलें, एक्यूरेसी की तलाश में अगर 125 के नीचे जाते हैं तो अगले अटेम्प्ट के लिए लग जाइएगा, समझे। तो ऐसे भी नहीं होना है, नहीं, और वैसे भी नहीं होगा, तो 120 और 115 पर हम क्यों रुके, जब रिस्क ही लेना है तो 2 कदम आगे फ्रंट फुट पर खेल करके रिस्क लिया जाए। तो मोटा मोटी आपको टारगेट करना चाहिए 130 क्वेश्चन। तो सवाल यह उठता कि करीब करीब हमारे पास 60 से 70 प्रश्न ऐसे मौजूद होंगे जहां पर डायरेक्ट हम हिट करने की स्थिति में नहीं, और जहां पर हम डायरेक्ट हिट करने की स्थिति में नहीं है वहां पर हमें क्या करना होगा, वहां पर हमें एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करना होगा। और एलिमिनेशन थ्योरी का मतलब क्या है, हम ये नहीं जान रहे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और जब हम ये नहीं जान रहे हैं तो हम यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का कौन सा उत्तर नहीं होगा। अगर चार ऑप्शन हैं, 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया, 2 बचे के, अगर 2 को एलिमिनेट कर दिया, 2 बचे, ठीक है, तो मुझे लगता है उसके बाद आपको उस प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए और कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब यह नहीं है कि मुट्ठी बांधे ए बी सी डी, ये मतलब नहीं है, या बाबा के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, राम जी के नाम पर, नहीं, सरस्वती जी के नाम पर जिनकी आप उपासना करते हो, या अल्लाह मियाँ के नाम पर, ये मतलब नहीं होता।
कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब होता है कि हमारी जो जानकारी है, हमारी जो समझ है, उस जानकारी और समझ का इस्तेमाल करते हुए हम आंसर के करीब पहुंचने की कोशिश करें और दो ऑप्शन में जो हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट लगे उसको हम क्लिक करके आए। तो ये जो ट्रेंड और इसकी बात मैं कर रहा हूं, इसकी उपयोगिता उसी कैलकुलेटेड रिस्क के कंटेक्स्ट में है। इंटेलेक्चुअल गेसिंग जो आप करते, इस तरह की चीजें, ट्रेंड्स की समझ, इंटेलेक्चुअल गेसिंग की प्रक्रिया को आसान बना देता है और इसके कारण उस गेसिंग की एक्यूरेसी भी क्या होती है, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। चालू खाता संतुलन के कंटेक्स्ट में देखें, फ्लैक्चुएटिंग ट्रेंड आपको दिखेगा। फ्लैक्चुएटिंग ट्रेंड का मतलब क्या है? कई बार आप देखेंगे चालू खाता अधिशेष की स्थिति में होगा, सरप्लस होगा, चालू खाता का संतुलन भारत के पक्ष में होगा, और कई बार आप देखेंगे भारत का चालू खाता जो है वो घाटे की स्थिति में होगा, डेफिसिट की स्थिति में होगा। तो अगर ट्रेंड फ्लैक्चुएटिंग है तो जब भी आप बजट पढ़ रहे हैं, जब भी आप सर्वे पढ़ रहे हैं, तो आपको कोशिश क्या करनी है, चालू खाते की स्थिति पर नजर रखें और चालू खाते का वह ट्रेंड क्यों है, उस क्यों का जवाब भी आपके पास होना चाहिए, उस क्यों का जवाब भी आपके पास होना चाहिए। आज के कंटेक्स में अगर आप जाकर के देखें, वर्ष 2023-24 के कंटेक्स में देखें, तो चालू खाते की स्थिति क्या आपको दिखाई पड़ती। चालू खाता गेस करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी उस पर नजर नहीं दोहराई है, लेकिन अगर गेस करना हो तो 2023-24 में चालू खाता घाटे की स्थिति में है या अधिशेष की स्थिति में है, संतुलन भारत के पक्ष में है या विपक्ष में है। शैलेश जी, इसका जवाब आप दीजिए, आपसे और सौरभ से जवाब चाहिए मुझे। अगर अनुमान लगाना हो घाटे में है, क्यों घाटे में? अच्छा सौरभ आप बतलाइए, आप क्यों घाटे में है का उत्तर बतलाइए। सौरभ आप बतलाइए, चालू खाते की क्या स्थिति है, क्या सोचा था, केवल काम करने के लिए दिया हूं क्या? बहुत निगेटिव में है का मतलब कुछ कुछ एक्सट्रीम शब्दों के। देखे सिविल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, कई गुना ज्यादा कई गुना ज्यादा, कई गुना कितने गुना, 3-4 गुना अप्रोक्स, समझे? क्या सही कह रहे हैं सौरभ जी? तब कितना गुना है, आपने तो काम किया है, कितना गुना है? तो ये काम करने का क्या फायदा, जब आपने काम किया है ट्रेड के आंकड़े पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े पर, मर्केंटाइज ट्रेड के आंकड़े पर, सर्विसेज ट्रेड के आंकड़े पर, नहीं तब आप अंदाजा लगा रहे हैं। इसका मतलब आपने काम नहीं किया है, आपने क्या किया है जानते हैं, आपने खाना पूर्ति की है। चूंकि हमने काम सौंपा आपको, लगा कल पूछेंगे, एक तरीका निकाला, वो आलेख आपको मिल गया शॉर्टकट में, उस आलेख में आंकड़े एक जगह इकट्ठे थे, जैसे आंकड़े इकट्ठे थे 5-5 करके आपने तैयार कर दिया, एक किया है ना। तो ये स्थिति खतरनाक स्थिति, जबकि मैं क्या उम्मीद कर रहा था, मैं आपसे यह उम्मीद कर रहा था कि यू विल डू जस्टिस विथ योर रोल, एंड यू विल डू जस्टिस विथ योर रोल का मतलब है कि कम से कम इतनी चीजें आपकी तैयार होंगी। अब आप दोनों को मिला देता नहीं। भारत के व्यापार घाटे को देखें, ट्रेड बैलेंस के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो अगर व्यापार घाटा देखें तो यह करीब करीब 240 बिलियन का है, क्योंकि मर्केंटाइज ट्रेड के कंटेक्स्ट में बात करूं तो इंपोर्ट 677 बिलियन का है और एक्सपोर्ट 437 बिलियन का है। शैलेश जी, कई गुना, बार बार कहता हूं ना, नहीं अंदाजा ऐसा मत लगाइए ना, बार बार मैं कह रहा हूं ट्रेंड को पकड़िए, नहीं 1.5 गुने के आसपास है और कई गुना है, इसमें कितना बड़ा अंतर होगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें, सेवा व्यापार जो है हमारा सरप्लस में है, और अगर टोटल ट्रेड मर्केंटाइज प्लस सर्विसेज ट्रेड की बात करें तो घाटा जो है घट करके 8 बिलियन के आसपास रह जाता है। और आपने रेमिटेंसेज के फ्लो के आंकड़े इकट्ठे किए हैं, रेमिटेंसेज का फ्लो कितना रहा है, फिर 125 बिलियन है या 111 बिलियन, पिछले साल का मतलब पक्का। वर्ल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट 111.22 बिलियन, वो पिछले ईयर का डाटा, अब बतला रहा, अब बतला
बतला रहा हूँ। वर्ल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 की रिपोर्ट जो मई 2024 में आई, उस रिपोर्ट के हिसाब से रेफरेंस पीरियड 2022 की बात करूँ तो 2022 के रेफरेंस पीरियड में भारत रेमिटेंसेज के मामले में नंबर वन पोजिशन पर रहा है, ठीक है, 111 बिलियन के अप्रोक्स। अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रेमिटेंसेज किस में आएंगे, रेमिटेंसेज इंडिविजुअल्स के अंतर्गत आएंगे, और अल्टीमेटली अगर देखें एग्जैक्ट कितना घाटा रहा आंकड़े देखने होंगे, लेकिन ये आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान में चालू खाता जो है वह अधिशेष की स्थिति में, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, यहां तक में कोई दिक्कत? अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट क्या क्या हैं? तो अगर कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट की बात करें, तो पहला जो डायमेंशन है वह है निवल विदेशी सहायता, नेट फॉरेन असिस्टेंस। यहां पर ध्यान रखें, फिर ग्रांट और असिस्टेंस के फॉर डिफरेंशिएट हमने किया। ग्रांट क्या है? ग्रांट विदाउट लाइबिलिटी, ग्रांट कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता, जबकि असिस्टेंस जो है वह लाइबिलिटी क्रिएट करती है। और असिस्टेंस और डेप्ट के डिफरेंस की भी हमने चर्चा की थी, असिस्टेंस भी एक प्रकार का डेप्ट है, बस फर्क यह है कि डेप्ट की स्थिति में अगर आप जाकर के देखें तो क्या होता, मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है, और असिस्टेंस की स्थिति में कॉन्सेशनल इंटरेस्ट रेट होगा या दैट मे बी पॉसिबल जीरो इंटरेस्ट रेट भी हो। नहीं तो जिस तरह हम अनुदान लेते हैं उसी तरह दूसरे देशों को अनुदान देते भी हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमें विदेशों से सहायता मिलती है, ठीक उसी प्रकार भारत भी जो है वह अल्प विकसित देशों को सहायता देता भी है। तो जो सहायता हमें मिली और जो सहायता हमने दी, दोनों को एडजस्ट करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता, निवल विदेशी सहायता। दूसरा क्या है, नेट ईसीबी, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, निवल बाह्य वाणिज्यिक ऋण। नहीं ठीक, बाह्य वाणिज्यिक ऋण या ईसीबी किसको कहते हैं? तो विदेशी बाजार से बाजार प्रचलित ब्याज दर पर जो ऋण हम लेते हैं वो क्या कहलाएंगे, बाह्य वाणिज्यिक ऋण कहलाएंगे। नहीं, जिस प्रकार हम विदेशी बाजारों से ऋण लेते हैं उसी प्रकार भारतीय बाजार से दूसरे देश भी ऋण लेते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तीसरा क्या है, नेट शॉर्ट टर्म लोन, निवल अल्पावधिक ऋण। यहां पर ध्यान रखेंगे शॉर्ट टर्म लोन को अलग हम दर्शा रहे, क्यों इसलिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन जो है थोड़े रिस्की होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन जो होते हैं वो इमीडिएट लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, और इकोनॉमी में अगर शॉर्ट टर्म लोन जो है एक लिमिट से ज्यादा हो तो संतुलन क्या होगा, बिगड़ेगा, रिस्क क्या होगा, बढ़ जाएगा। चौथा कंटेक्स अगर आप जाकर के देखें, नेट एनआरआई डिपॉजिट। नहीं, अब अगर देखें अप्रवासी भारतीय क्या करते, अप्रवासी भारतीयों के पास जो सेविंग होगी उस सेविंग का वो क्या करेंगे, एक तो जहां उनका प्रवास है वहां के मार्केट में, वहां के इसमें इन्वेस्ट कर सकते या वहां के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसको रख सकते, दूसरा अपने मदर कंट्री जो है अपने घर परिवार वालों को भेजेंगे, जो किस कैटेगरी में आएगा, प्राइवेट ट्रांसफर की कैटेगरी में आएगा, और एक तीसरा काम वो क्या कर सकते, उनका एक एनआरआई अकाउंट होगा, वो उस राशि को अपने एनआरआई अकाउंट में रखेंगे, जरूरत पड़ने पर वे उस राशि को अपने एनआरआई अकाउंट से निकाल करके इस्तेमाल कर सकते। नहीं तो उनके एनआरआई अकाउंट में जो डिपॉजिट होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, नेट एनआरआई डिपॉजिट, जो डिपॉजिट उन्होंने किया और जो उस अकाउंट से उन्होंने विड्रॉ किया। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो अगला डायमेंशन क्या है, तो अगला डायमेंशन है निवल विदेशी निवेश, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब निवल विदेशी निवेश की बात कर रहे हैं
तो इसमें हम FDI की बात करेंगे, इसमें हम FPI की बात करेंगे, इसमें हम यूरो इशूज की बात करेंगे, ADR GDR की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, इन सबको मैं एलिब्रेट करूंगा क्या, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो अगला डायमेंशन क्या है, रूपी डेप्ट लाइबिलिटी, रुपया ऋण देनदारी, और सातवां क्या है, अन्य, और अगर इसी के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो आठवां पूंजी खाता संतुलन क्या होगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बातें स्पष्ट हुई। तो अब अगर आप जाकर के देखें, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की परिभाषा लिख ली है, नहीं, बाजार प्रचलित ब्याज दर पर विदेशी बाजारों से जो भी उधारी ली जाती है वो ECB की कैटेगरी में आएगी। अब सवाल यह उठता, FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसमें भी देखेंगे दो कैटेगरी, एक FDI को हम क्लासिफाई करें तो हम कहते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा, और कंफ्यूज मत कीजिएगा, ग्रीनफील्ड FDI या ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और इको फ्रेंडली हो। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे, ऐसा निवेश जो नए प्रोजेक्ट में किया जा रहा है, और इसीलिए ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या करता है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो है उत्पादन क्षमता में वृद्धि के जरिए उत्पादन में वृद्धि करता है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के जरिए उत्पादन क्षमता का विस्तार और विकास होता, जबकि ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, पुराने प्रोजेक्ट में किया गया निवेश, नहीं, बेसिकली अगर आप देखें तो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, अधिग्रहण के लिए, टेक ओवर के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी या कोई विदेशी कंपनी उसको टेक ओवर कर रही है, तो विदेशी कंपनी अगर टेक ओवर कर रही है तो वो पे करेगी ना, तो विदेशी निवेश तो आ रहा है, लेकिन उस विदेशी निवेश की प्रवृत्ति ग्रीनफील्ड है या ब्राउनफील्ड, ब्राउनफील्ड है, क्यों, क्योंकि इस निवेश से उत्पादन क्षमता का विस्तार नहीं, गॉट इट। अब FDI के कंटेक्स्ट में क्या आप देखेंगे, किसी भी देश के लिए FDI क्या है, प्रीफरेबल है, क्यों, ठीक है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, FDI के तहत जो निवेश होता तो वह कैसा है, निवेश की दीर्घकालिक प्रकृति है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, निवेश की दीर्घकालिक प्रकृति, ठीक है। FDI के कारण अगर आप जाकर के देखें, संसाधनों की उपलब्धता क्या होती, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ती, नहीं, FDI के जरिए जो निवेश होता तो केवल रिसोर्सेज नहीं आता है, इसके माध्यम से अगर आप देखें तो नवीनतम तकनीकों का भी आगमन होता, क्योंकि जो निवेशक होता है वो शेयर होल्डर होता है, उसके भी स्टेक दांव पर लगे होते। अगर आप जाकर के देखें तो FDI के जरिए जो निवेश आता है, उस निवेश के कारण अगर आप देखें प्रबंधन कौशल में भी बेहतरी की संभावना बढ़ती है, मैनेजरियल स्किल के स्तर पर भी FDI के जरिए जो निवेश आता है, अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें तो यह विदेशी बाजार की संभावनाओं को भी क्या करता, विदेशी बाजार की संभावनाओं को विस्तार देता है, और यही कारण है कि FDI क्या है, किसी भी देश के लिए प्रेफरेबल है। अगर इसके सापेक्ष देखें तो दूसरा टर्म हमने क्या किया, दूसरा टर्म जो हमने यूज किया हुआ है FPI, और ये सारे प्रश्न के डायमेंशन है, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भी हिंदी में रह सकता और सम विभागीय भी हो सकता। अगर आप जाकर के देखें तो FDI की तुलना FPI जो है, या क्या है, FDI की तुलना में लेस प्रीफरेबल है, या लेस प्रीफरेबल है, इसको कम अहमियत दी जाती, क्यों, रीजन, या अल्पकालिक निवेश है, या अल्पकालिक निवेश के दूसरे कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो यह जो है प्रतिभूति बाजार के जरिए किया गया निवेश है, क्योंकि एक टर्म है अगर आप देखें विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक कौन हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किनको कहेंगे, नहीं, तो सेबी में पंजीकृत विदेशी निवेशक, ये सेबी में पंजीकृत विदेशी निवेशक हैं, नहीं, जिनको प्रतिनिधि प्रतिभूति बाजार में लेन देन की अनुमति है, ठीक है। ऐसे कोई नहीं जाकर के निवेश, विदेशी निवेशक प्रतिभूति बाजार में निवेश नहीं कर सकता, पहले खुद को उसे विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में सेबी में रजिस्टर्ड करवाना होगा, और उस रजिस्ट्रेशन के साथ उसको इन्वेस्टमेंट की और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन में
सेल परचेज की अनुमति मिलेगी। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो त्वरित लाभ की कामना होती है, इमीडिएट बेनिफिट की चाह होती है एफपीआई में, और इमीडिएट बेनिफिट की चाह एफपीआई में जो होती है इसके कारण आप क्या देखते इसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती। इसीलिए देखिए जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कहा जाता, हॉट मनी। चर्चा की थी ना जब मनी एंड बैंकिंग की चर्चा कर रहा था, वहां पर हॉट मनी की चर्चा की थी। ऐसी मनी, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रकृति हो, जब तक लाभ की कामना दिखेगी उसका डायरेक्शन उस ओर जाएगा, जैसे हल्का सा भी झटका होगा, ठीक है, हल्का सा भी निगेटिव ट्रेंड दिखेगा, सीधे पैसा लेकर के वापस होने की प्रवृत्ति होगी, और पैसा लेकर के वापस जो होगा तो फिर किस डायरेक्शन में जाएगा, जहां पर अधिक लाभ की कामना। इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो एफपीआई के कंटेक्स्ट में क्या आप पाते, केवल संसाधन की उपलब्धता बढ़ती, केवल रिसोर्सेज की अवेबिलिटी क्या होती है, केवल रिसोर्सेज की अवेबिलिटी बढ़ती है। नहीं, यहां पर आप यह उम्मीद नहीं करें कि टेक्नोलॉजी का आगमन होगा और वह टेक्नोलॉजी का आगमन या मैनेजेरियल स्किल में जो इंप्रूवमेंट होगा वह इकोनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, इसकी उम्मीद मत करें। आप इसकी उम्मीद नहीं करें कि एफपीआई के जरिए विदेशी बाजार संभावनाओं का विस्तार होगा। इसलिए अगर आप देखें तो एफपीआई इज लेस प्रिफरेबल टू एफडीआई। बातें स्पष्ट हुई, कोई डाउट इसमें, बढ़े आगे क्या अंशु जी, याद रहेंगी चीजें? हाँ, टेस्ट रूस तो नहीं दे रहे होंगे क्या? क्या स्कोर जा रहा है? नहीं, ठीक नहीं है, मैंने ये तो नहीं पूछा कि ठीक है या नहीं है, ये पूछा क्या स्कोर जा रहा है, मेरा प्रश्न यह है। तो क्या इरादा है? अगला डायमेंशन है कन्हैया जी, आप अच्छा आप तो नहीं दे रहे होंगे ना, क्या गलती हो गई हम ही लोगों से, समझे? एक जो है ना, अब डिटेल में तो नहीं बतलाऊंगा, लेकिन एक महानुभाव थे तो उन्होंने अपने पीए को कहा कि श्रीकांत जी परसों ये बात याद दिला दीजिएगा कि ये काम करना है। बोला जी सर। जब 4-5 दिन बीत गए तब उनको ध्यान आया मिश्रा जी को कि अरे ये काम हमने कहा था, तो उन्होंने कहा श्रीकांत जी आपको मैंने कहा था कि आप परसों ये चीज याद दिला दीजिएगा, तो उन्होंने कहा श्रीकांत जी ने कि जी सर भूल गए, जा आप भी तो याद नहीं दिलाए, जी सर भूल गए आप भी तो याद नहीं दिलाए ना, मतलब अब ये याद दिलाने की जरूरत है कि आपको क्या याद दिलानी है। यूरो इशूज किसको कहेंगे? नहीं, जैसे अगर कंपनियों को देखें, कंपनियां जो है शेयर जारी करती हैं, तो कंपनियों के द्वारा जो शेयर जारी किया जाता, तो ये जो शेयर जारी किया जाता है वह घरेलू बाजार में भी और विदेशी बाजार में भी। घरेलू बाजार में जो शेयर जारी किया जाएगा वो घरेलू मुद्रा में, और इसमें जो निवेश किया जाएगा, इसमें निवेश करने वाला कौन है, निवेशक कौन है? नहीं, तो ये भारतीय भी हो सकते और ये विदेशी भी हो सकते। नहीं, जो विदेशी निवेशक हैं उन्हीं को क्या कहा जाता, FII, विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII के द्वारा यहाँ FPI किया जाना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया जाना। तो यहाँ पर क्या देख रहे, यहाँ पर अगर आप जाकर के देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार पहुंच रहे हैं, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार पहुंच रहे हैं विदेशी निवेश करने। नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप मूव करें तो यहाँ पर पाएंगे भारतीय कंपनियां विदेशी बाजार पहुंच रही, किसके लिए, निवेश जुटाने के लिए, निवेशकों को, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो अगर हम जाकर के देखें इसके लिए भारतीय कंपनियों को क्या करना होगा, एक विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकरण की जरूरत होगी, वहां से शेयर जारी करने की अनुमति लेनी होगी, और फिर विदेशी मुद्रा में, फॉरेन करेंसी के डिनोमिनेशन में क्या करना होगा, शेयर जारी करना। इसी शेयर को क्या कहेंगे, इसी शेयर को यूरो इशूज कहा जाता, अर्थात भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों में पहुंचकर वहां के स्टॉक एक्सचेंज से संबद्ध होकर जो शेयर जारी करती है विदेशी मुद्रा में, और उसके माध्यम से फॉरेन करेंसी में रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की कोशिश करती है
ऐसे शेयर को ही क्या कहा जाता है, यूरो इशूज कहा जाता है। और ऐसे यूरो इशूज अगर अमेरिकी बाजार में जारी किए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ADR। फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। इसको ADR को क्या कहेंगे, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, ADR। और दूसरा क्या है, GDR। नहीं, अन्य बाजारों में विशेष करके यूरोपीय बाजारों में GDR का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। और यहां से कई प्रश्न पूछे गए, ADR क्या है, GDR क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के जोन है, यूरो इश्यूज क्या है, ये भी पीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। कोई डाउट इसमें, तो प्रश्न केवल FDI FPI से ही नहीं पूछा गया, ये सारे प्रश्न के जोन है। और इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि UPSC के कम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पलटे, 4 साल 5 साल अभी का जो ट्रेंड है उसको ओवरलुक करें और उसके पहले के 10 साल 15 साल के पेपर को पलटे, उनको कवर करने की कोशिश करें और इस तरह के प्रश्नों से आपका वास्ता पड़ेगा। और इसी तरह के प्रश्न पिछले साल BPSC ने इकोनॉमी सेक्शन से जो प्रश्न पूछे हैं 69th BPSC में, आप जाकर के देखें कई प्रश्न UPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाए गए, नोटिस किया है, तो थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए। क्या ये वो हिंदी का ले लें, एक वो अंग्रेजी का ले लें, सबसे नहीं तो ये समस्या आपकी है ना। हाँ, अब हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी समझ में आएगी नहीं, अरे हिंदी को देख के दूर भागेंगे, क्योंकि हिंदी उनके लिए क्या है, उनकी नजरों में हिंदी में उतने ही शब्द हैं जितना वो जानते। सर्वेश्वर की हिंदी बड़ी मुश्किल है, लगता है या नहीं, कहते हैं या नहीं, जबकि मुझे लगता है मेरी हिंदी आम बोलचाल की हिंदी है, मेरी हिंदी आम बोलचाल की हिंदी है। क्या हंस रहे हैं, कुछ जोक तो नहीं है, ठीक है। नहीं, वाकई मैं कह रहा हूं, क्या नहीं, आप लोगों की हिंदी का स्तर गिर गया है, ये पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं, मेरी हिंदी आम बोलचाल की हिंदी है। सिर्फ दो चीजें वहां पर हैं जो थोड़ी उसे मुश्किल बनाती है। नंबर 1, मेरे वाक्य थोड़े लंबे होते हैं, और जो वाक्य आपको दिख रहे हैं दरअसल वो छोटे किए गए वाक्य हैं, वो लंबे वाक्य नहीं है, छोटे करने के बाद वो स्थिति है, तो थोड़ा सा लंबे वाक्य होते। दूसरा, भाव वहां पर जो है वो मतलब एक लाइन से गुजरेंगे तो 3-4 चीजें आपको मिलेंगी, तो अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं है और ब्रेक करने का तरीका आपको मालूम नहीं है तो फिर वो बाईपास हो जाएगा, एक पैराग्राफ के बाद जब दूसरे पैराग्राफ तक पहुंचेंगे तो चीजें बाईपास होने लगेंगी। और तीसरी चीज जो है, थोड़ा सा शब्दों के प्रयोग को लेकर के मैं सतर्क रहता, मतलब अगर मैं कहूं यूज ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड एट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस, इसको लेकर के थोड़ी थोड़ी सी सतर्कता रहती है, और कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर आप जाकर के देखें तो थोड़ा सा अपने को अपग्रेड करें, हिंदी में उतने ही शब्द नहीं है जितने आप जानते, और ना ही हिंदी में उतने ही शब्दों को जानने की जरूरत है जितने आप जानते। नए शब्दों को सीखें ना, नहीं, नए शब्दों को सीखेंगे आपका वोकैब इन रिच होगा, वोकैब इन रिच होगा तो उस स्थिति में आपका एक्सप्रेशन जो है बेहतर होगा, राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा, ओरेटरी स्किल भी आपका डेवलप होगा। You will be impressive whether you are writing or you are orating in both the cases. ठीक है, तो आगे बढ़ूं तो अगला डायमेंशन क्या है, अब यहाँ ज्यादती हो जाएगी। तीसरा कंपोनेंट क्या था, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, सवाल यह उठता, पहली चीज आप समझे, फॉरेक्स रिजर्व इज प्रोपोर्शनल टू करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, इस चीज को समझने की जरूरत है। जैसे कई बार आप सुनेंगे, नहीं क्या सुनेंगे, ट्रेंड की बात करूं तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है और फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है, सुनते हैं ना, तो सवाल यह उठता कब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा और कब फॉरेक्स रिजर्व घटेगा। अब तक जो चर्चा की, व्यापार घाटा अगर बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट अगर बढ़ेगा तो फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बढ़ेगा, उस ट्रेड डेफिसिट की भरपाई के लिए फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, ट्रेड डेफिसिट को इनविजिबल्स जो हैं करेंट अकाउंट के आइटम्स वो काउंटर बैलेंस करने का काम करते, ठीक है। नहीं, अगर आप जाकर के देखें ट्रेड डेफिसिट को इनविजिबल्स आइटम अदृश्य मद काउंटर बैलेंस करने की स्थिति में नहीं रहते तो उस स्थिति में करेंट अकाउंट क्या होगा, घाटे की स्थिति में होगा, चालू खाता घाटे की स्थिति में होगा। और चालू खाता अगर घाटे की स्थिति में होगा
तो तीसरी बात ध्यान रखें, चालू खाता के घाटे की भरपाई किसके द्वारा होगी? पूंजीगत खाते के द्वारा भरपाई होगी नहीं। और अगर पूंजीगत खाता चालू खाता के घाटे की भरपाई की स्थिति में नहीं है तो फिर उसको कंपनसेट किसके जरिए किया जाएगा? फॉरेक्स रिजर्व के द्वारा किया जाएगा। इसलिए करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट दोनों मिलाकर के सरप्लस की स्थिति में होंगे तो फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि होगी, और करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों अगर डेफिसिट की मतलब दोनों मिलाकर अगर डेफिसिट की स्थिति में होंगे तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या होगा? कमी आएगी। कोई डाउट? अब सवाल यह उठता, फॉरेक्स रिजर्व के कितने कंपोनेंट हैं? नहीं, अगर आप जाकर के देखें फॉरेक्स रिजर्व के प्रमुख अवयव, फॉरेक्स रिजर्व के मेजर कंपोनेंट, तो फॉरेक्स रिजर्व जो है चार चीजों को मिलाकर बनता है, और वे चार चीजें क्या है? नंबर वन, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, फॉरेन करेंसी एसेट्स। दूसरे कंटेक्स्ट में बात करूं, दूसरा कंपोनेंट क्या है? तो दूसरा कंपोनेंट आपको फॉरेक्स रिजर्व का है, वह है गोल्ड रिजर्व। तीसरा कंपोनेंट क्या है? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, हिंदी में विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट। और चौथा क्या है? आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच। आप में से कोई बता सकता फॉरेक्स रिजर्व का रिकॉर्ड क्या है अब तक? कब? मतलब गजब आप लोग बात करते, 650 भी आप बोल रहे हैं, 642 भी आप बोल रहे हैं, 649 भी। अगर आप देखें एक बार इसको काउंटर चेक कर लेंगे, ठीक है, 5 अप्रैल 2024 को फॉरेक्स रिजर्व 648.56 बिलियन थी। ठीक, देखिए आप लोग क्या करते हैं, कैसे गोबर में लात मारते हैं, समझे? ये जो अंदाजा लगाते हैं अटक्कर पंचे 150, ये नहीं तो ये होगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी यही चीजें चलती है, ये नहीं तो ये होगा, समझे? अरे यहाँ पर जो है बीपीएससी परवेज मुशर्रफ, परवेज सुशर्रफ, चार गो ऑप्शन देती है ना, नहीं देती है, जाकर के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पलटे। जब पाकिस्तान हम लोग जब दे रहे थे, मेरे ख्याल से या तो 42वीं का होगा या 43वीं का, तो एक क्वेश्चन था, समझे? चारों नाम जो है, हाँ समझे, तो ये जो है मतलब मेरी जानकारी में फॉरेक्स रिजर्व ये ऑल टाइम हाई है। और ये चीजें इसलिए जरूरी हैं कि कई बार आप देखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन जो है या तो स्टेटमेंट बेस्ड अब दे देगा या डेट आपसे पूछ दिया जाता, उन व्हिच डेट। नहीं, इनमें अगर आप जाकर के देखें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जो है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का स्तर क्या था? 571.17 बिलियन यूएसडी। गोल्ड रिजर्व जो है वह 54.56 बिलियन, एसडीआर जो है वह 18.17 बिलियन, और आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच जो है वह आपको 4.67 बिलियन। मतलब अगर हम देखें फॉरेक्स रिजर्व की में कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से अगर देखें तो नंबर वन पर कौन है? फॉरेन करेंसी एसेट। नंबर टू पोजीशन पर कौन है? गोल्ड रिजर्व। नंबर थ्री पोजीशन पर कौन है? एसडीआर। और नंबर चार पोजीशन पर क्या है? आईएमएफ के पास रिजर्व। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो दो प्रश्न यहां पर इमर्ज करते हैं। एसडीआर पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। एसडीआर के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं, विशेष आहरण अधिकार, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगर स्पेशल ड्राइंग राइट्स के कंटेक्स्ट में देखें, ठीक है, तो चार पांच चीजें यहां पर ध्यान रखने की। एसडीआर 1969 में पहली बार आईएमएफ द्वारा जारी, और ये जो एसडीआर जारी किया जाता आईएमएफ में सदस्य देशों के द्वारा दिए गए अंशदान के आलोक में। आईएमएफ को प्रोडक्टिव वर्क तो करती नहीं है, अर्न करती नहीं है, तो सवाल यह उठता आईएमएफ का जो पूरा का पूरा व्यापक ढांचा ऑपरेशनल है तो उसका एक ऑपरेशनल कॉस्ट है? नहीं, उसके लिए रिसोर्सेज कहां से आते? तो जो आईएमएफ के मेंबर कंट्री होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते, और उसी कंट्रीब्यूशन के आलोक में उनका वोटिंग शेयर भी होता है आईएमएफ में, यह बात भी ध्यान रखें। अब उस कंट्रीब्यूशन के कंटेक्स्ट में ही आईएमएफ के द्वारा एसडीआर जारी किया जाता, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जारी किया जाता।
अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है एसडीआर बास्केट। एसडीआर बास्केट में अगर आप जाकर के देखें, नहीं तो ये बात कर रहा हूं मई 2022 से। एसडीआर बास्केट में अगर आप जाकर के देखें तो एसडीआर बास्केट में आप पाएंगे 5 करेंसी, और ये 5 करेंसी कौन है? यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर, जिसका वेटेज 43.38% एसडीआर बास्केट में। दूसरे नंबर पर जो है चीनी युआन है, या रेमिन भी कह ले, जिसका वेटेज 12.28%। तीसरे नंबर पर जो है, इनफैक्ट दूसरे नंबर पर यूरो है, दूसरे नंबर पर यूरो है, यूरो का वेटेज जो है 29.31% है। तीसरे नंबर पर अगर आप जाकर के देखें युआन है, चीनी युआन, और युआन का वेटेज जो है 12.28%। चौथे नंबर पर अगर आप जाकर के देखें जापानी जो येन है, और जापानी येन का वेटेज जो है 70.7.59%। और पांचवें नंबर पर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जिसका वेटेज 7.44%। यहां पर अगर देखें तो अमेरिकी डॉलर के वेटेज को अगर आप देखें तो अमेरिकी डॉलर का वेटेज बढ़ा है, यूरो का वेटेज घटा है, चीनी युआन का वेटेज बढ़ा है, येन का वेटेज घटा है, पाउंड स्टर्लिंग का घटा है। युआन चीन, येन जापान, और पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन। यहाँ पर अगर एक और चीज देखें, एक और चीज देखने वाली चीज है, जब हम फॉरेक्स रिजर्व को देख रहे हैं तो फॉरेक्स रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 5 कंट्री नहीं, मई 2024, चीन जो है नंबर 1 पोजीशन पर है 3.47 ट्रिलियन, जापान जो है नंबर 2 पोजीशन पर है 1.29 ट्रिलियन, स्विट्जरलैंड जो है नंबर थ्री पर है करीब 864 बिलियन, नंबर 4 पर देखे अमेरिका है जो करीब 812 बिलियन के आसपास, पांचवें नंबर पर जाकर के देखें भारत। कल के डेट में हो सकता है यहां से भी, क्योंकि जब तक प्रश्न को आप इमेजिन नहीं करेंगे, तो जब तक प्रश्न को इमेजिन करने की स्थिति में नहीं होंगे, और ध्यान रखिएगा टेस्ट में लटपटाऊंगा, समझे, अगर पॉलिटी और हिस्ट्री में 37-38 जा रहा है तो विश्वास रखिए इकोनॉमी में 20 के नीचे ले जाऊंगा। मैं नहीं ले जाऊंगा, आप लोग खुद ले जाएंगे। क्यों स्कोर कम जा रहा है पता है? स्कोर कम जाने का प्राइम रीजन 2 मैं समझता हूं। एक तो आप टेस्ट को गंभीरता से ले नहीं रहे, ले रहे हैं, और दूसरा यह है कि टेस्ट पेपर को देख करके आप ये मान करके चल रहे हैं कि बीपीएससी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछती, ऐसा थोड़ी है, साइकोलॉजी नहीं पता है हमें, नहीं, क्योंकि आप लोगों को वन लाइनर टेस्ट की आदत पड़ चुकी, वन लाइनर पढ़ने की, वन लाइनर रेस्पॉन्ड करने की, तो अगर वन लाइनर की आदत पड़ चुकी है तो समस्या तो आनी ही आनी है, ना आई ये संभव ही नहीं है, समझे क्या नहीं अजी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, लोग मेरी बातों को मानेंगे जरूर लेकिन मेरे मरने के बाद, तो मैं उसको संशोधित कर देता, लोग मेरी बातों को रियलाइज जरूर करेंगे, माने या ना माने, ब्रैकेट में, समझे, एग्जामिनेशन हॉल में जब होंगे, एग्जामिनेशन हॉल के फिर बाहर नहीं, बस उतने ही देर जितने देर एग्जामिनेशन हॉल में आप हैं और क्वेश्चन पेपर आपके सामने, मन में भाव आएगा मत चूको चौहान, इस बार तो चूक गए, अगली बार नहीं चूकना। तो आज यहीं पर रोकूंगा, कल फिर कंटिन्यू करूंगा, और यहीं से कल हम इंटर किधर करेंगे, निवेश और इसको देखते हुए फिर हम पब्लिक फिनांस में इंटर करेंगे। ओके, थैंक यू।